नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में भाग लेने के लिए अपना हुनर दिखाने का एक सुनहरा मौका दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। 54 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में हुनर है, आप इसमें भाग लीजिए। इनाम में लाखों रुपए जीतिए, साथ ही फ्रांस में होने वाली प्रतियोगिता में भाग भी लीजिए। देखिए रंगे खास। मध्य प्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता में हुनर दिखाकर इंडिया स्किल एवं विश्व कौशल प्रतियोगिता जो कि फ्रांस में होगी, भाग लेने का सुनहरा मिलेगा युवाओं को, जिसके लिए रीवा के आईटीआई में जिम्मेदारों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगिता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सबसे पहले मध्य प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, उसके बाद ये सिलसिला आगे के लिए चल निकलेगा। इसके लिए जिला स्तर, संभाग स्तर, प्रदेश स्तर, फिर देश स्तर के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का सिलसिला होगा प्रारंभ। अपनी तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा मंच, वह भी अपना हुनर दिखाने का, जिसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, बस हाथ में हुनर होना चाहिए, वह भी 54 विधाओं में से किसी एक में, जिसमें जीतने वाले को 1,00,000 रुपए गोल्ड मेडल के साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसका स्किल निखारने के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग, बेहतर जॉब की गारंटी। इतनी सारी बातों को बताने के लिए भोपाल से आए ट्रेनर ने रीवा संभाग के चुने हुए लोगों से बात की। उनको बताया किस तरीके से आपको कैंडिडेट सुनने हैं, किस तरीके से उनका फॉर्म फिलअप करना है। हमारी टीम ने कुछ लोगों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। जी नमस्कार, मैं सौरभ राठौर। हम लोग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो कौशल प्रतियोगिता है, मध्य प्रदेश कौशल प्रतियोगिता, उसके लिए यहाँ पे जोनल वर्कशॉप रीवा में आयोजित किया गया है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन वर्कशॉप। हम चाहते हैं कि इस जो कौशल प्रतियोगिता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाए, उसके लिए वर्कशॉप करी। और इस वर्कशॉप में जो हमारे प्रतिभागी आएंगे, जो पार्टिसिपेशन के लिए हमारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि एजुकेशन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारे उद्योगपति, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बच्चे हैं, उनको हम इसमें भाग लेना चाहते हैं और इनके सारे सहयोग से ये कॉम्पिटिशन को सफल बनाते हुए। पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है इस कंपटीशन के लिए? इस कंपटीशन के लिए पढ़ाई के लिए कोई योग्यता या बाध्यता नहीं है। किसी भी प्रकार का बच्चा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। ये सवाल ये पैदा होता, कितने सेक्टर हैं और कितने विधाओं में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? ये जो प्रतियोगिता है, हमने जो एडवर्टाइजमेंट में हमारी जो वेबसाइट है mpskills.gov.in और dsd.gov.in, इसमें इसकी जानकारी है। हम 54 स्किल्स में यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में ये भाग प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इसमें दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इस बार पहली बार हम ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो 13 स्किल्स में भाग ले सकते हैं। पिछली बार 54 उसमें कैटेगरी में MP को 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, उड़ीसा नंबर 1 पर। सर, इस बार किस तरीके की प्लानिंग की, हम और ऊपर जाएं? पिछली बार हमने 20 स्किल्स में भाग लिया था और उन 20 स्किल्स में हमने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त किए थे। इस बार हमने 20 से बढ़ा के हमारी जो स्किल्स है वो 54 कर दी है, और हम चाहते हैं कि जो अब हमारा जो 15वें पायदान पे जो नाम है, उसको हम ऊपर लाते हुए पहले या दूसरे पे लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम पूरे तरीके से भरपूर प्रयास करे। अगले वर्ष फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में मध्य प्रदेश का डंका बजे, इस आशा से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रिकमच और रसास को लेकर जा रही है, जो कुकरी कंपटीशन है। चलो इस बहाने से हम वर्ल्ड स्किल लेवल पर इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। नोडल अधिकारी हम उनका हमारी योजना के अंतर्गत हमारा ये मुख्य बात है कि हमारे जो विद्यार्थी, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो अंदर छुपी प्रतिभा है, उनको उभारना भी इस योजना के वहाँ बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। हमको विश्वास है कि हम अपने बच्चों को भी इस आपकी प्रतियोगिता के बारे में जाके बताएंगे और उनसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनको उनसे प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे आके अपने देश प्रदेश में अपना नाम रखेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए
न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।